नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज। आपके साथ में मोहम्मद मिराज आलम। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह की फिल्म देखने के बाद नालंदा जिला के चंडी थाना इलाके के लोदीपुर गांव के 10वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मानसून की पहली बारिश में ही सहम गए पटनावासी। गलियों में जल जमाव तो सड़कों पर जानलेवा बने गड्ढे। बिहार के पटना में आर्थिक तंगी से परेशान ऑटो चालक ने लगाई फांसी। परिवार वालों को मिला 25 किलो गेहूं और चावल। दरभंगा के सिरहुल्ली की साइकिल गर्ल ज्योति ने पुरस्कार की राशि से कराई गरीब चचेरी बुआ की शादी। 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति। दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण करने वाले नहीं होंगे आवेदक। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भेजा लीगल नोटिस। एनडीडेड वीडियो ट्वीट करने पर लगाया आरोप। रेलवे की नई पहल, अब ट्रेन में पीओएस मशीन लेकर चलेंगे टीईटी। बेटिकट यात्री डेबिट क्रेडिट कार्ड से कटा सकेंगे टिकट। कामरान रिजवी बने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन। केंद्र सरकार का आदेश जारी। बिहार में शराबबंदी को लागू करने में जुटे अधिकारियों को सुरक्षा के लिए मिलेगी 9mm की पिस्टल। सुशील मोदी ने एक मीटिंग के तहत बोले, बैंक सुनिश्चित करे कि बिहार के हर व्यक्ति का बैंक खाता हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर हम अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने राजनीतिक अटकलों को दी नई हवा। बिहार में 6,662 संक्रमित, इनमें से 4,226 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब रैपिड किट के माध्यम से कोरोना संक्रमितों की जांच की जाएगी। पटना में 7 सदस्यीय टीम करेगी मानसून पूर्व की तैयारी की जांच। जल जमा हुआ तो समाधान निकालने की भी जिम्मेदारी इनकी ही होगी। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान। 18 से 25 जून तक नामांकन, 6 जुलाई को वोटिंग, 26 जुलाई को हो जाएगी मतगणना। बिहार के लखीसराय क्षेत्र में 146 करोड़ की लागत से कुंदर बराज योजना तैयार, आज सूबे को सौंपेंगे सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंडक नदी पर बने आईसीसी पुल का किया उद्घाटन। मुख्य सचिव से कहा अब वर्चुअल कार्यक्रम नहीं, मौके पर जाने की करें तैयारी। बिहार के बेगूसराय सदर अस्पताल में मरीजों का बढ़ा हुजूम, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि, लोगों को सताने लगी है बाढ़ की आशंका। एक्टर सुशांत सिंह के सुसाइड के गम में पटना की एक लड़की ने की आत्महत्या। इनकम टैक्स व सेल टैक्स के जाने माने वरिष्ठ वकील उदय कुमार सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के असमय निधन पर गहरा शोक व्यक्त किए। मधेपुरा में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल मधेपुरा के ब्लड बैंक में शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। पटना जेडीयू एमएलसी जावेद इकबाल अंसारी सगुन सिंह ने आरजेडी की ली सदस्यता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिलाई सदस्यता। पटना सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने किया प्रदर्शन, सलमान खान व करण जौहर का पुतला किया दहन। सुशांत सिंह की मौत के बाद से मलडीहा के मातमी का माहौल, लोगों ने टाल दिए शादी समारोह। पटना के मीठापुर बस स्टैंड के समीप बिना सैनिटाइजर व बिना एहतियात के ही चल रहे हैं कई होटल, पुलिस ने मारी रेड, मालिकों पर होगा कार्रवाई। अगर आप हमारे इस खबर को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें। अगर आप हमारे इस खबर को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।